बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली आयरिश, बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पोस्ट पे। अपने इस वीडियो में आप लोगों को करंट अकाउंट के बारे में बताऊंगा कि एचपी बैंक का करंट अकाउंट क्या है, यानी तमाम बैंकों में मौजूद करंट अकाउंट क्या होता है, उसके क्या फायदे हैं और ये कैसे ओपन करवाया जा सकता है। इसकी मुकम्मल तफसील अपने इस वीडियो में बताऊंगा। बैंकों में मौजूद जो करंट अकाउंट होता है उस पे ना कोई नफा होता है ना नुकसान होता है, यानी जितने पैसे हैं उतने रहते हैं, ठीक है। इसमें किसी किस्म की कटिंग नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात, करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की लिमिट नहीं होती, आप जितने मर्जी उसमें पैसे जमा करवाएं, जितने मर्जी पैसे निकलवाएं, ठीक है। उसमें आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा करंट अकाउंट में जो आपने इनिशियल जमा करवाना है, यानी शुरू में जो पैसे जमा करवाने हैं, उसकी लिमिट भी नहीं है, ठीक है। जितने मर्जी आप पैसे जमा करवा सकते हैं, ये नहीं है कि आपने लाख रुपए या 50,000 आपने उसमें जमा करवाने करवाने हैं, ठीक है। इसकी लिमिट नहीं है, ठीक है। एचपी बैंक के करंट अकाउंट की लिमिट नहीं है, जितने मर्जी आप पैसे उसमें जमा करवाएं, जितने मर्जी आप पैसे निकलवाएं, उसमें आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा आप करंट अकाउंट को एचपीएल मोबाइल ऐप से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप मोबाइल ऐप यूज करके आप अपने अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अपना आप एटीएम कार्ड भी यूज कर सकते हैं। 24 घंटे आप एटीएम कार्ड किसी भी एटीएम मशीन में जाएं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे एक वीक। इसके अलावा पूरे एक वीक में जब मर्जी आप एटीएम कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बैंक बंद हो, एटीएम मशीन्स 24 घंटे अवेलेबल होती हैं, जब मर्जी आप उसमें पैसे निकलवा सकते हैं। उसके अलावा करंट अकाउंट में आपको चेकबुक भी मिलती है, एटीएम कार्ड भी मिलता है, और उसके अलावा मोबाइल ऐप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करंट अकाउंट में आपको एटीएम कार्ड मिलेगा, चेकबुक मिलेगी और साथ साथ ऑनलाइन बैंकिंग भी आपको मिलेगी। तो ये थी करंट अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन जो मैंने अपनी इस वीडियो में बताई है। करंट अकाउंट खुलवाने के लिए अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस का लेटर हेड, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप, दोनों में से एक चीज जो भी आप अगर बिजनेस करते हैं बिजनेस का लेटर हेड, अगर सैलरी पर्सन है तो सैलरी स्लिप, दोनों में से एक चीज लेके जाएंगे किसी बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आपका आईडी कार्ड या सैलरी स्लिप या लेटर हेड, ठीक है, ये दो चीजें होंगी तो आप किसी बैंक में जाए आपका करंट अकाउंट ओपन हो सकता है। तो ये थी वीडियो करंट अकाउंट के हवाले से, जिसमें मैंने आपको करंट अकाउंट के फायदे और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं और उसमें मोबाइल बैंकिंग एटीएम कार्ड मुकम्मल तफसील आपको करंट अकाउंट के हवाले से दी है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।